हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन किया गया है कि होमोलोगस आर्गन और एनालोगस आर्गन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं होमोलोगस आर्गन की, तो होमोलोगस आर्गन वो होता है कि जो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, लेकिन फंक्शनली अगर आप उसको देखेंगे तो डिफर होता है। जिस तरह से ये एनिमल्स में जो ऑर्गन पाए जाते हैं, तो उसमें अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में देखेंगे, तो होमोलोगस आर्गन वो आर्गन होंगे कि जो स्ट्रक्चर जिनका वो उसमें सिमिलरिटी होगी, लेकिन अगर उनके फंक्शन देखेंगे तो डिफर होंगे। अगर आप इसका एग्जांपल देखें, तो जैसे फोर लिम्स होते हैं ह्यूमन में देखें आप, या एनिमल्स में देखें, या बर्ड्स में देखें, फोर लिम्स जैसे हाथ हैं दोनों, तो इंसानों के अगर आप आगे हाथ देखेंगे, या जैसे एनिमल है मान लिया जाए हॉर्स ले लेते हैं, तो उसके आगे के दो टांग जिसको हम लोग कहते हैं फोर लिम्स, उसको देखें, या बर्ड्स हैं तो उसके दो जो फीदर होते हैं पंख हैं वो देखें, तो इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सिमिलर है, लेकिन फंक्शन देखेंगे तो डिफर हो जाएगा। जैसे इंसान है वो अपने फोर लिम्स से यानी अपने दोनों हाथों से जो काम करता है, वो एनिमल मतलब हॉर्स जो है वो काम नहीं करता अपने आगे के दोनों टांग से मतलब फोर लिम्स से। या बर्ड को आप देखेंगे तो उसके जो पंख होते हैं उससे वो काम नहीं करता जिससे कि जिस तरह से इंसान अपने हाथों से काम करता है, लेकिन इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरली ये सिमिलर है। चाहे ह्यूमन के दोनों फोर लिम्स देखें, या आप हॉर्स के फोर लिम्स देखें, या आप बर्ड्स के फोर लिम्स देखें, मतलब इंसान के दोनों हाथ देखें, या जो हॉर्स है उसको उसके आगे के दोनों पैर देखें, या जो बर्ड है उसके दोनों पंख देखें, ये इनका फंक्शन डिफर है लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो इस तरह के ऑर्गन्स को कहते हैं होमोलोगस आर्गन। अब आप इसी से कंपेयर कर ले एनालोगस को, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये कि उसमें स्ट्रक्चरली वो डिससिमिलर होंगे लेकिन फंक्शनली वो सिमिलर होंगे। जैसे कि आप बर्ड के पंख देखते हैं, चिड़िया के आप पंख देखते हैं, और वहीं आप इंसेक्ट जो कीड़े होते हैं उनके पंख देखते हैं, तो ये फंक्शनली तो ये सेम है, फंक्शन तो ये एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो ये फंक्शन में सिमिलरिटी है, लेकिन स्ट्रक्चरली ये डिससिमिलर है, स्ट्रक्चर में ये डिससिमिलर है। तो इस तरह के ऑर्गन्स को कहा जाता है एनालोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन वो होता है जिसमें स्ट्रक्चर सिमिलर हो लेकिन फंक्शन डिफर हो, और एनालोगस ऑर्गन वो होता है जिसका कि जो स्ट्रक्चर उनका डिससिमिलर हो जबकि फंक्शन जो है वो सिमिलर हो। तो यही डिफरेंस होता है होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन में। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।